नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस का स्वागत है। मनगवांगढ़ आदिवासी बस्ती में हुई चाकूबाजी बड़ी खबर रीवा मध्य प्रदेश जिले से है, जहां जिले के मध्यमा विधानसभा क्षेत्र गढ़ थाना अंतर्गत नई गढ़ी बाईपास से पहले आदिवासी बस्ती में रात लगभग 8:30 बजे चाकूबाजी की वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया, जिसमें एक युवक की पीठ पर चाकू मारा गया और आरोपी के पेट में चाकू अभी भी घुसा हुआ है और पीड़ित को गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आनंद फानंद में लाया गया। वह इस घटना के बाद गढ़ थाना प्रभारी राजकुमार गायकवाड़ व एवं टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच विवेचना और आरोपी की तलाश में जुट गए और बताया गया कि युवक राजकुमार रावत रास्ते में जा रहे थे, तभी गांव के ही संग लल्लू सिंह का पुत्र युवक के पीठ पर चाकू मार दिया। पीड़ित युवक राजकुमार रावत द्वारा बताया गया कि लगभग 4 की संख्या में आरोपी थे, जो तेज गति में मोटरसाइकिल से निकले, जिन्हें उन्होंने समझाइश दी तो लौट कर आए और चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक का प्राथमिक उपचार गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है और उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किए जाने की खबर सामने आई है। चाकू निकाला नहीं जा सकता, यहाँ पे चाकू नहीं निकाला जा सकता तो चोट भी नहीं देखी जा सकती। आपका नाम क्या है? आपके साथ ये चाकू की वारदात किसने की? लल्लू सिंह का लड़का। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ का। नाम क्या है इनका? किस बात को लेकर विवाद हुआ? रास्ते से जा रहे थे तो बारिश की स्पीड में गाड़ी लेकर निकले, उनको मना किया तो लौट कर आए तो झगड़ा किया। इस दौरान आरोपी कितनी संख्या में थे? एक पेशेंट है, उसको रिफर किया। कितने थे? कितनी संख्या में आरोपी थे? 3-4। तो और किसी के बारे में जानकारी है कि खाली एक ही आरोपी की पहचान है आप? एक पेशेंट आया है, उसको रिफर किया है।